है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को उठाया आवश्यक कदम। जी हां, बीती देर रात पुलिस कर्मियों को दिए सुरक्षा उपकरण और कहा कि हमारा उद्देश्य ड्यूटी के दौरान हर पुलिस कर्मी भी रहे सुरक्षित। बता दें, एसएसपी सचिंद्र पटेल द्वारा हॉट स्पॉट एरिया के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पुलिस कर्मियों को सुरक्षा उपकरण दिए गए। साथ ही ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया और उन्होंने बताया कि कोरोना से हमारे कुछ पुलिस कर्मी भी संक्रमित हुए हैं, तो इसीलिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को उपकरण देने के साथ ही उन्हें खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर अवगत कराया। हम लोग समय समय पर ब्रीफ कर अवगत कराते रहते हैं। हमारा यही प्रयास है कि ड्यूटी के दौरान हर पुलिस कर्मी भी सुरक्षित रहे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्योंकि हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, तो हम लोगों ने उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए, ताकि अन्य कोई व्यक्ति संक्रमित ना हो, हम सभी लोगों ने सबसे पहले तो सुनिश्चित किया है कि हमारे जो भी पुलिसकर्मी हैं, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी जब आप उनका रूटीन में चेकिंग करें तो इंश्योर करें कि वो फेस मास्क पहन रहे कि नहीं पहन रहे, उनके पास हेड कवर है कि नहीं है। फेस शील्ड भी हम लोगों ने सभी को लगभग प्रोवाइड की जो हॉटस्पॉट एरियाज में ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अलावा पॉलीकार्बोनेट शील्ड उनके पास है कि नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो कैसे जो है दूरी मेंटेन करें, 2 गज की दूरी उनको अपने ड्यूटी के दौरान ही मेंटेन करनी है। तो लगातार हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं, लगातार अपने पुलिस कर्मियों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे, और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस कोरोना वायरस में लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये अभी अभियान शुरू किया गया था और इसको हम लोग लगातार जारी रखेंगे।